आसमान में तकरीबन दस हजार जिन पर तकरीबन बारह लाख सत्तर हजार लोग सवार होते हैं हर वक्त आसमान में फ्लाई कर रहे होते हैं और अगर उसको फ्लाइट राडार की वेबसाइट पर चेक किया जाए तो हमेशा हर जगह प्लेन्स फ्लाई कर रहे होते हैं और कोई जगह खाली नजर नहीं आती लेकिन वर्ल्ड मैप पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां एक भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करता हुआ नजर नहीं आता है आई रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम है दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहां एरोप्लेन फ्लाई करने से बचते हैं जैसे कि पैसिफिक ओशियन और माउंट एवरेस्ट जहां पर टिबेटन प्लेटो जिसका एरिया 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें नौ कंट्रीज के बॉर्डर शामिल हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये कमर्शियल एरोप्लेन इन जगहों पर फ्लाई करने से क्यों बचते हैं नंबर वन अगर हम फ्लाइट राडार पर चेक करें तो इस एरिया को एयरक्राफ्ट बाईपास करते हैं अक्सर फ्लाइट्स माउंट एवरेस्ट पर फ्लाई करने से इसलिए बचते हैं क्योंकि हिमालय में बीस हजार फीट से ज्यादा ऊंची पहाड़ियां हैं जिनमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उनतीस हजार फीट की है अक्सर कमर्शियल एरोप्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं इसकी वजह से फ्लाइट को सेफ दूरी पर उड़ाने के लिए फ्लाइट्स को स्ट्राटस्फियर के निचले हिस्से में फ्लाई करना होता है स्ट्राटस्फियर एटमोस्फियर की सेकेंड लेयर होती है जो कि अर्थ के वेदर के ऊपर लोकेटेड होती है और काफी स्टेबल होती है इसके अंदर ओजोन लेयर भी पाई जाती है जो कि हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है स्ट्राटस्फियर में हवा बहुत पतली पाई जाती है और ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है इसकी वजह से फ्लाइट में एयर ट्रेवलेंस और पैसेंजर्स को परेशानी हो सकती है इसी तरह से यहां हवा का दबाव काफी ज्यादा होगा और ऊंचे पहाड़ों की वजह से फ्लाइट की मोमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाती है फ्लाइट्स के उड़ने के लिए कर्व रोड्स यानी मोड़दार रास्ते काफ़ी सेफ होते हैं अक्सर फ्लाइट समुंदर की बजाय जमीन के ऊपर से फ्लाई करती हैं इस वजह से ये समुंदर के ऊपर कम फ्लाई करते हैं ताकि इमरजेंसी लैंडिंग की जा सके जो कि फ्लेट जमीन पर आसानी से की जा सकती है हिमालयन रीजन में कहीं भी फ्लेट जमीन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से फ्लाइट्स के लिए खतरा बना रहता है क्योंकि यहाँ हर जगह माउंटेंस ही पाए जाते हैं नंबर टू एक दूसरी वजह यहाँ फ्लाइट्स को ना उड़ाने के लिए यह भी है कि यहाँ पर फ्लाइट्स को ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा बना रहता है क्योंकि एयरलाइंस के पास सिर्फ 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है तो इस सूरत में अब ऑक्सीजन के खत्म होने का खतरा हो तो फ्लाइट्स को 10,000 हज़ार फिट की ऊँचाई तक नीचे आना होता है ताकि एरोप्लन में ऑक्सीजन को दोबारा फिल किया जा सके इस प्रोसेस को ड्रिफ्ट डाउन प्रोसीजर कहा जाता है ड्रिफ्ट डाउन एक एमरजेंसी प्रोसीजर है जिसमें एयरक्राफ्ट के बाकी इंजनस को मैक्सिमम थ्रस्ट को बराबर मेंटेन रखना होता है ये प्रोसीजर अक्सर एक या उससे ज्यादा इंजन के फेल होने की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट को नियरेस्ट एयरोड्रोन तक सेफ्टली लैंड कराया जा सके और दूसरी सूरत में ड्रिफ्ट डाउन प्रोसीजर का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई एयरक्राफ्ट अपनी करंट एल्टीट्यूड और टेरेन टेरेंस को मेंटेन ना रख पाए हिमालयन रीजन में एयरक्राफ्ट को 10,000 फीट तक नीचे उतारना काफी डेंजरस हो जाता है नंबर थ्री हिमालयन रीजन बहुत ही कम आबादी वाला एरिया है जिसकी वजह से यहाँ रेडार सर्विसेज बिल्कुल मौजूद नहीं है इस वजह से पायलट को ग्राउंड पर कम्युनिकेट करने के लिए कोई मोड अवेलेबल नहीं होता है नंबर फोर एरिया में कमर्शियल फ्लाइट्स फ्लाई ना करने की एक और वजह यह भी है कि यहाँ इंडियन और चाइनीज आर्मी ट्रेनिंग सेशंस करते रहते हैं तो इन एरियाज में कमर्शियल फ्लाइट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है नंबर फाइव कुछ हालात में एयरलाइंस की पैसिफिक ओशन में फ्लाई ना करने की ये वजह है कि एयरप्लेन्स कर्व रूट्स को पसंद करते हैं और जमीन के ऊपर फ्लाई करते हैं जिनकी दूरी सीधे रास्ते के मुकाबले में कम होती है नंबर सिक्स एरिया फिफ्टी वन यू एस स्टेट नोवादा में सात हज़ार पाँच सौ स्क्वायर किलोमीटर में ये एरिया एयरफोर्स का हिस्सा है जो कि एक सीक्रेट बेस है और इसको एरिया फिफ्टी वन के नाम से जाना जाता है ये एरिया हमेशा से कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है और लोगों का मानना है कि यहाँ यूएस एयरफोर्स सीक्रेट वेपन्स और यू पर टेस्टिंग करती है ये एरिया जमीन से नजर नहीं आता सिर्फ इसको एयरोप्लन के जरिए देखा जा सकता है इस मिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है लेकिन अगर किसी ने इसके ऊपर प्लेन उड़ाने की कोशिश की तो उसको पहले वार्निंग दी जाती है लेकिन अगर पायलट ने वार्निंग को इग्नोर कर दिया तो उस प्लेन को एंटी एयर डिफेंस मिसाइल से टारगेट करके खत्म कर दिया जाता है नंबर सेवन सऊदी अरब में लोकेटेड होली सिटी ऑफ मेका जो कि मुस्लिम के लिए बहुत ही होली प्लेस है ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि मस्जिद हराम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है इसलिए उसके ऊपर कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं कर सकता लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है इनफैक्ट सऊदी गवर्नमेंट ने इस एरिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हर वक्त पिलीग्रम्स की एक बड़ी तादाद मौजूद रहती है नंबर एट नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस में भी फ्लाइट्स को उड़ाना बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि यहाँ पर बगैर किसी वार्निंग के नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट मेजाइल टेस्ट करती रहती है जिसकी वजह से फ्लाइट्स को यहाँ उड़ाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है नंबर नाइन क्रेटर्स भी उड़ने वाले प्लेन्स के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं इस दुनिया में तकरीबन 170 सौ सत्तर मौजूद हैं और इसी तरह के क्रेटर्स माइनिंग कंपनीज की तरफ से माइनिंग करते वक्त बनाए गए हैं हाई एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले प्लेन्स के लिए इससे कोई रिस्क नहीं है लेकिन लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले प्लेन्स के लिए ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है ये उड़ने वाले प्लेन्स को अपने अंदर खींच सकते हैं क्योंकि जो क्रेटर्स जितना डीप होता है उसका बोटम उतना ही गर्म होता है गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और ठंडी हवाएं नीचे ट्रेवल करती हैं इन गर्म और ठंड हवाओं के एक्सचेंज की वजह से वोटैक्स इफ़ेक्ट पैदा होते हैं जिससे ये किसी भी चीज़ को खींच सकते हैं और उसकी वजह से फ्लाइट में ट्रेबलेंस क्रिएट हो जाती है नंबर टेन वॉल्नोज वॉलनोल्स जब फटते हैं तो उसके एशस काफ़ी ऊपर तक फैल जाते हैं जनवरी 2022 में साउथ पैसिफिक ओशियन में टोंगा आइलैंड के पास अंडर वाटर अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन माना जाता है जिसकी वजह से अब तक का सबसे बड़ा ऐश क्लाउड क्रिएट हुआ जो कि सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड कर लिया और वो ऐसा दिखता था और ये एश क्लाउड आसमान में एक लाख नब्बे हज़ार फिट तक फैल गए ये एश क्लाउड उड़ने वाले एरोप्लेंस के लिए बहुत ही डेंजरस होती हैं जो इंजनस और विंडशील्ड को नुकसान पहुंचा सकती इसलिए एरोप्लेन्स इस तरह के एश क्लाउड्स को अवॉइड करते हैं